हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी फ्रेंड सुधा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुधाज होम में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद, जिसे हम सत्यनारायण कथा, भागवत, जन्माष्टमी बहुत सारी पूजाओं के लिए बनाया जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 2 चम्मच घी लिया है, घी को हम गर्म कर लेते हैं। 1 चम्मच हमने मखाने लिए हैं, जिसे हमने क्रश कर लिया है, और ये 1 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज हैं। अब इन्हें हल्का सा भून लेते हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का ही भून कर तैयार करना है। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर ये भून कर तैयार करना है। ये भून कर तैयार हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसी फ्राई पैन में आटा भून कर तैयार करेंगे। तो इसमें हमें 1 कप आटा डाल दिया है। अब आटे को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। लगातार इसे हमें करचली से चलाते रहना है, इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। तो इसे हम अच्छे से चलाएंगे, और घी हमें इतना लेना चाहिए कि इसमें लड्डू से बन जाए। घी आपका अच्छा होगा तो आपकी पंजीरी भी बहुत अच्छी बनकर आएगी। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं आटे का कलर चेंज हो गया, ये भुन कर तैयार हो चुका है। चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सूखा आटा डालकर हम देख लेते हैं, कलर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ये लगभग भुन कर तैयार ही हो चुका है। अब इसमें हम ये भुने हुए मखाने और ये बीज डाल देंगे। और ये हमने 2 इलायची ली थी, जिसे हमने क्रश कर लिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। मिलाने के बाद ऐसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसे तैयार करेंगे। तब तक हम पंचामृत बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने 1 कप के करीब गाय का दूध लिया है, और इसमें हमने 1 चम्मच के करीब बूरा और 1 चम्मच दही डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। जब ये अच्छे से मिल जाए, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मखाने। मखाने के बाद हम इसमें शहद डालेंगे। शहद ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, इसमें मैंने नहीं डाला है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तुलसी के पत्ते। ये तुलसी के पत्ते को मैंने क्रश कर लिया है। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। अब ये हमारा पंचामृत बनकर तैयार हो चुका है। लास्ट में हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब घी, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये पंचामृत हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और इधर हमारी पंजीरी भी ठंडी हो चुकी है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए पंजीरी हमारी ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद हम इसमें बूरा ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि हमें गर्म आटे में बूरा नहीं ऐड करना है। जब हमारी ये अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद हमें बूरा डाल देना है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आप इस जन्माष्टमी पर यह रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और ऊपर से मैंने टॉप कर दिया ये तुलसी के पत्तों से। तो मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।